हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड इट्स क्विज टाइम अगेन। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ड्स डिस्कस करेंगे जिनका साउंड बिल्कुल सेम रहता है बट द मीनिंग इज टोटली डिफरेंट। नाउ सच वर्ड्स विच हैव सेम प्रोनंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग आर कॉल्ड होमोफोन्स। फ्रेंड्स, रिमेंबर दैट नॉट ओनली बिगनर्स बट द एडवांस्ड इंग्लिश स्पीकर्स ऑफन गेट कन्फ्यूज इन दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स। तो आज के वीडियो में हम एक क्विज फॉर्म में सारे वर्ड्स डिस्कस करेंगे जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा जिसमें एक ब्लैंक होगा और आपको तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा और उसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ दीज वर्ड्स अलॉन्ग विद देयर यूसेज। एंड रिमेंबर यू विल बी गिवन ओनली 10 seconds एंड बी ऑनेस्ट विद योर आंसर एंड ऑल्सो डू काउंट योर स्कोर। सो लेट अस स्टार्ट। मिस यूज एंड कन्फ्यूजिंग वर्ड्स फॉर ईच क्वेश्चन 10 seconds विल बी अलॉटेड एंड यू कैन पॉज एट एनी मोमेंट इफ यू फील लाइक एंड मेक श्योर दैट यू आर ऑनेस्ट एंड काउंट योर स्कोर। नाउ द फर्स्ट वन इज ही हैज अ डैश फॉर वाइन्स। Which palette will come in this? The correct option is palette. Now let us see the meaning of each option. Pellet means a tablet या फिर गोली जो हम दवाई खाते हैं उसको हम palette बोलते हैं। Next is palate. This palette is the taste buds जो कि correct option है इसका। एंड द थर्ड वन PALETTE, दिस मीन्स द थिन बोर्ड या फिर स्लैब जिसमें आर्टिस्ट कलर मिक्स करता है, जो रंग मिलाता है जिसपे, उसको हम PALETTE वाला पैलेट बोलते हैं। नेक्स्ट वन ही केम डैश देन आई। द करेक्ट आंसर इज LATER. Now we all know LETTER is चिट्ठी, जो हम रिटन मैसेज लिखते हैं या फिर इंग्लिश अल्फाबेट्स वाले कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर भी बोल सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज लेटर LATER, दैट मीन्स बाद में, जैसे सी यू लेटर, ही केम लेटर देन आई, वो मेरे बाद आया। एंड थर्ड ऑप्शन LATTER मीन्स बाद वाला। जैसे दो चॉइसेस दी हैं उसमें से अगर आपको सेकंड वाला चॉइस ज़्यादा पसंद आ रही है तो यू से लेटर LATTER, जैसे आउट ऑफ द टू चॉइसेस आई लाइक द लेटर वन। नेक्स्ट वन डैश टीम इज द बेस्ट। The correct option is THEIR. Now THEIR is a possessive word which means जो किसी को belong करता है। Their team is the best. उनकी team सबसे best है। Now second option there, we all know this. There means वहाँ, जैसे keep your books there, अपनी किताबें वहाँ रख दो। And third is again there. It is a contraction of they are. For example, they are happy. Next one, I do not believe in dash system. The correct answer is CASTE, caste system. Now the first option CAST, इसका मतलब होता है जैसे वोट कास्ट करना, वोट डालना, या फिर अगर सीरियल या कोई मूवी की अगर स्टारिंग आ रही है तो हम बोलते हैं इसकी क्या कास्ट है, उसमें हम CAST लगाते हैं। सेकेंड इज कॉस्ट, कॉस्ट मतलब प्राइस या वैल्यू या इस चीज़ की क्या कीमत है, या वॉट इज द कॉस्ट ऑफ दिस बुक। एंड थर्ड इज कास्ट CASTE, इसका मतलब होता है जाति, कि उसकी क्या सोशल क्लास है। सो आई डू नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम CASTE। नेक्स्ट वन अशोकास डैश वॉज फुल ऑफ पीस। Correct option is REIGN. In this G is silent. We pronounce it as rain. Now the first option RAIN, हमें पता है इसका मतलब होता है बारिश। Second is REIGN, इसका मतलब होता है राज्य, शासन करना या फिर राज करना या रूल करना, that is rain. And REIN, इसका मतलब है लगाम लगाना या कंट्रोल करना कोई चीज, जैसे rein a horse. Next is He has lost his dash. The correct option is SIGHT, sight.
Now the first option which is given is site. इसका मतलब होता है कोई point या कोई location. जैसे this is a good site for school. ये बहुत अच्छी location है एक school के लिए. या फिर हम website या internet site, उसमें भी site वाला site लगता है. Second is cite. इसका मतलब होता है reference देना या फिर कोई एक example देना. कोई अपनी बात को support या proof करना. That is cite. For example, she cited two examples to support her answer. तो cite. And last one is sight, means eyesight, देखना. तो he has lost his sight. Next one is he is dash to a large fortune. The correct option is heir. In this, h is silent, so we'll say it as air. So the first one is heir. This means here, यहाँ पर होना. I live here, मैं यहाँ रहता हूँ. Second is heir. We pronounce it as heir. This means वारिस या successor या किसी का उत्तराधिकारी, जो इसका correct option है. And last one is hair, hair. This means बाल. Next one, it is an dash weather for a holiday. The correct option is ideal. Now the first option which is given is idle. इसका मतलब होता है बेकार बैठना, आलसी, लेजी, कोई पर्पस नहीं होना, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होना. दैट इज idle. नेक्स्ट इज ideal. दिस मीन्स परफेक्ट. जैसे इट इज एन आइडियल वेदर फॉर अ हॉलीडे, परफेक्ट वेदर है एक हॉलीडे मनाने के लिए. एंड लास्ट वन इज idol. इसके दो मतलब होते हैं. पहला है मूर्ति, जैसे कोई गॉड की इमेज हो, दैट इज आइडल. एंड सेकेंड, जैसे इंडियन आइडल हम बोलते हैं, कोई हीरो, कोई स्टार जिसको पीपल बहुत प्यार देते हैं और एडमायर करते हैं, उसको भी हम idol वाला आइडल बोलते हैं. नेक्स्ट इज ही इज डैश इन फोटोग्राफी. The correct option is adept. Adept. Now the meaning of adept is skilled. जो बहुत well trained person होता है, जो अपने काम में बहुत निपुण होता है, उसको हम बोलते हैं adept. So the correct option over here is adept. He is adept in photography. Second is adapt. adapt. इसका मतलब है अपने लिए कोई चीज़ अनुकूल बनाना, जैसे कि टू एडजस्ट इन न्यू कंडीशन, टू मेक फिट फॉर अ न्यू सिचुएशन. तो दैट इज अडैप्ट. एंड लास्ट वन इज अडॉप्ट, adopt. इसके भी दो मतलब होते हैं. पहला है गोद लेना, जैसे ही अडॉप्टेड अ गर्ल चाइल्ड. और दूसरा है किसी को धारण करना, जैसे कोई क्रिश्चियनिटी को धारण करता है. सो ही अडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी, तो वो होता है अडॉप्ट, adopt. एंड द लास्ट वन इज शी कांट डैश द पेन. द करेक्ट ऑप्शन इज bear, bear. नाउ द फर्स्ट ऑप्शन विच इज गिवन bare. इसका मतलब होता है अनकवर्ड, जैसे कि बेयर हैंड्स, अनकवर्ड हैंड्स, या फिर बेयर फीट मीन्स नंगे पाँव. सेकेंड ऑप्शन दैट इज अगेन बेयर, bear. इसका मतलब होता है एक तो भालू, और दूसरा होता है टॉलरेट करना, किसी को सहन करना, जैसे आई कांट बेयर हिम एनी मोर, मैं उसको और सहन नहीं कर सकता. एंड लास्ट वन इज बियर, beer. दैट इज एन अल्कोहलिक ड्रिंक, जो शराब होती है एक टाइप की, उसको हम बोलते हैं बियर. सो दिस वॉज इट फ्रेंड्स, एंड इफ यू एंजॉयड द वीडियो डू टेल योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.